कि वक्त बदला तो कुछ यूं बदला कि अब लोग हमें एक साथ देखने को निकलते हैं। कि वक्त बदला तो कुछ यूं बदला कि अब लोग हमें एक साथ देखने को निकलते हैं। और सुना है कि वो जान है आजकल की महफिलों में, और सुना है कि वो जान है आजकल की महफिलों में, और हम तो आज भी घरों से कम निकलते हैं। कि एक और था कि जो तारीफें कर रहा है तेरी, जो तारीफें कर रहा है तेरी तेरे बदन को देखकर, कि जो तारीफें कर रहा है तेरी तेरे बदन को देखकर तेरा दिल उसके लिए मचल रहा है। कि जो तारीफें कर रहा है तेरी तेरे बदन को देखकर तेरा दिल उसके लिए मचल रहा है। और हम तो थे महबूब तेरी रूह के, हम तो थे महबूब तेरी रूह के, ये सोचकर तेरा भी दिल जल रहा है। और एक बस एक तो शेर और है कि वो अपनी बातें अपनी आंखों से बताती है, कि वो अपनी बातें अपनी आंखों से बताती है, नाराज है मुझसे पर अभी भी छिपाती है। कि वो अपनी बातें अपनी आंखों से बताती है, नाराज है मुझसे पर अभी भी छुपाती है। और वैसे तो वो कह चुकी है कि मैं तुम्हें कब की भूल गई, और वैसे तो वो कह चुकी है कि मैं तुम्हें कब की भूल गई, मगर मैं कैसे मान लूं, मुझे हिचकियां आज भी पहले जैसी आती है। और ये मैंने थोड़ा सुना था, उसमें मैंने किया है कि ये कोई शराब थोड़ी है, कि ये कोई शराब थोड़ी है जो आज पी और सुबह तक सारी उतर जाएगी, कि ये कोई शराब थोड़ी है जो आज पी और सुबह तक सारी उतर जाएगी, हमने तो इश्क का जाम लिया है वो भी आपके नाम का। हमने तो इश्क का नाम लिया है वो भी आपके नाम का, कसम से सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब ये मेरी कहानी है, तो शायद बोर ना हो थोड़ा रीड करना। कि स्टार्ट करता हूँ कि बहुत भाग रहा है दिल कहीं तो टिक, कि बहुत भाग रहा है दिल कहीं तो टिक, और मुझे पता है कि कोई किस्सा पूरा नहीं हुआ, तो क्या हुआ तू अधूरा ही लिख। तो स्टार्ट करते हैं कि उन दिनों की बात है जब वो क्लास में नई नई आई थी, और मैं क्लास में पुराना और पढ़ने में अच्छा था, मगर लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि उस टाइम में अच्छा बच्चा था। मगर कुछ तो खास बात थी उसमें जो उसके आने से क्लास में चहल पहल थोड़ी बढ़ सी गई थी। और बेशक मैं कम बात करता था लड़कियों से, मगर शुरुआत के दिनों में मेरी भी सांसें थोड़ी थम सी गई थी। कि कुछ दिनों तक हम काफी आम से रहे, एक ही क्लास में रहकर अनजान से रहे, कि वक्त के साथ वो मुझसे और मैं उससे बातें करने लगा, और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब मैं उसे इम्पोर्टेंस देने लगा। और अब हमारी दोस्ती थोड़ी बढ़ सी गई थी, और मानो स्कूल जाने की कोई नई वजह मिल गई थी। ये मेरा 9th वाला है, बहुत पहले का, ठीक है। कि अब हमारी दोस्ती थोड़ी बढ़ सी गई थी, और मानो स्कूल जाने की कोई नई वजह मिल गई थी, कि वो अब अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर किया करती थी, और अब फाइनल एग्जाम्स पास आने वाले थे तो फ्री पीरियड में मेरे साथ बैठकर पढ़ भी लिया करती थी। अब ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। मगर एग्जाम से कुछ दिनों पहले मैं उसकी किसी बात पर गुस्सा हो गया था। उसने मुझे 2 दिनों तक खूब मनाया, मगर शायद मैं उस टाइम थोड़ा खफा सा हो गया था। उस शाम पहली बार लगा कि हम सिर्फ दोस्तों नहीं, और वो मुझे इतना क्यों मना रही थी, मैं इतना खास भी तो नहीं। और यूं ही आसमान को देखते देखते सूरज कब ढल गया, और उसी आसमान में हल्का हल्का सा चांद निकल गया। और और मानो उसी आसमान से जवाब आया कि अगर कभी ऐसा हो तो झुक जाओ मोहब्बत को मनाने के लिए, सूरज भी तो रोज डूबता है चांद को जगाने के लिए। और कि इसी को दोबारा बोलता हूं कि उसी आसमान से जवाब आया कि झुकना पड़े तो झुक जाओ मोहब्बत को मनाने के लिए, सूरज भी तो रोज डूबता है चांद को जगाने के लिए। अब लास्ट आ गया। और उसी रात को सोच लिया कि कल जल्दी स्कूल जाऊंगा, और उसके मनाने पर तुरंत मान जाऊंगा। मगर अगले दिन वो चुप सी रही, मानो उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थी। मैंने पूछा नहीं, शायद वो मुझसे अनजान बन रही थी। उस पूरी रात आसमान में सितारों को देखते हुए उसके ख्वाबों में चला गया, और सुबह उठा तो मानो सवेरा भी ये सिखा गया कि जिन सितारों के साथ, ये बहुत डीप है,
कि जिन सितारों के साथ रात भर जो ख्वाब देखे, जिन सितारों के साथ रात भर जो ख्वाब देखे, सुबह उठते ही वो ख्वाबों को तोड़ देते हैं। जिन सितारों के साथ रात भर जो ख्वाब देखे, सुबह उठते ही वो ख्वाबों को तोड़ देते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, सूरज की चमक के आगे तो सितारे भी साथ छोड़ देते हैं। कि अब बस अब हम अलग हो गए, तो ये था कि अब तो एक अरसा सा हो गया स्कूल से निकले और उससे बिछड़े। और ये बात सच है कि करीब आते आते बहुत पास हो गए थे, लेकिन जब बिछड़े तो हम काफी उदास हो गए थे। और ये आप सबके साथ बैठा इसलिए बोल रहा हूँ। और स्कूल के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात तो क्या, उससे कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन मैं आज भी गुस्सा हूँ उसके यूं अचानक चुप हो जाने से, और इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कभी तो आएगी मनाने किसी ना किसी बहाने से। और इंतजार कर रहा हूँ कि शायद आएगी मनाने किसी ना किसी बहाने से। थैंक यू।